हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हाउसवाइफ और होम मेकर्स के लिए, किस तरह से वो अपने आप को स्टाइलिश और स्मार्ट रख सकती हैं घर पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर पर जो हमें पूरी करनी होती हैं। इन सब के बीच में हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और ख़ुद को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, उस थोड़े से टाइम में आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हैं घर पर भी। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिन टिप्स को फॉलो करके आप घर पर बहुत अच्छे से दिख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं सृष्टि ब्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलिए टिप्स की शुरुआत करते हैं। टिप नंबर वन, आप अगर घर पर साड़ी पहन रहे हैं तो आप ऐसी साड़ी पहनिए जो साड़ी पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। तो आप कॉटन साड़ी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन साड़ी ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से हमेशा सेट रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कॉटन साड़ियाँ पुराने ज़माने की तरह ही प्रिंट में आती हैं या फिर डल कलर आते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कॉटन साड़ियाँ भी आने लगी हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी साड़ी मिलती हैं कॉटन की, वैसे ऑल ओवर इंडिया में भी मिलने लगी हैं क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। तो आप कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं या फिर आप मार्केट में ट्राई कर सकती हैं, आपको कॉटन साड़ियाँ मिल जाएंगी। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत लाइट वेटेड होती हैं, घर के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। उनको आप एक बार में ही सेट करके, प्लेट्स बना के अच्छे से पिनअप करके पहनिए तो आपको पूरे दिन भर अपनी साड़ी को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लहरिए की साड़ी भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती हैं। तो उनको आप एक बार में सुबह ही जब आप पहनेंगे तो उसको आप अच्छे से पहनिए तो वो पूरे दिन भर वैसी की वैसी रहती है और काम करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। टिप नंबर टू, जब भी आप ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं घर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज ही सिलवाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ ज़्यादा चमक धमक या फिर डोरी वाले ब्लाउज सिलवा लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, काम करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए सिंपल ब्लाउज सिलवाएं जिनके गले भी थोड़े छोटे हों और आपको कंफर्टेबल भी फील हो घर पे। टिप नंबर थ्री, घर पे आप इस तरह के कलर्स पहने जो बहुत ज़्यादा कलरफुल हों, यानी कि तीन चार कलर्स का मिक्स हो सकता है साड़ी में, या फिर फ्लावर प्रिंट हो सकते हैं, लाइनिंग, जिगजैग। इसके अलावा आप कई तरह के अलग अलग प्रिंट्स जो आज मार्केट में चल रहे हैं उन्हें ट्राई कीजिए। डल कलर या फिर एक सिंपल कलर की साड़ी पहनना आप अवॉइड करें घर पे, क्योंकि क्या होता है कि हम जब सिंपल कलर की साड़ी या फिर एक ही टोन की साड़ी पहनते हैं तो उसमें हम इतने ज़्यादा स्मार्ट नज़र नहीं आते, क्योंकि हम कुछ हैवी ज्वेलरी नहीं पहनते हैं घर पे या फिर कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते हैं। तो इसलिए जो वन टोन साड़ी होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए आप घर पे कोशिश कीजिए कि अलग अलग कलरफुल साड़ीज पहने जो बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा आप घर पर लेस वाली साड़ी या फिर कुछ वर्क की साड़ी ना पहने। जितनी सिंपल साड़ी आप घर पे पहनेंगे उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी लगेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि उसके कलर्स ब्राइट हों, अच्छे हों। टिप नंबर फोर, आप साड़ी के नीचे जो पेटीकोट पहनते हैं उसे आप, जो हमारा ट्रेडिशनल पेटीकोट होता है वही पहने। आप कोई शेप वेयर या फिर कुछ अलग तरह के पेटीकोट जो टाइट फिटेड होते हैं वो बिल्कुल ना पहने, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जो हमारे रनिंग ट्रेडिशनल पेटीकोट होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूज टू होते हैं घर पे काम करने के लिए, क्योंकि मैंने भी अपनी मम्मी को देखा है, मेरी सासू माँ को देखा है, वो साड़ी पहनती हैं तो वो ट्रेडिशनल पेटीकोट यूज़ करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं सारे काम करने में, क्योंकि उठने बैठने में भी आसानी रहती है, सारे घर के जो हाउस होल्ड काम होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वो अच्छे से कर पाती हैं। टिप नंबर फाइव, घर में आप साड़ी पहन रहे हैं तो कुकिंग करते टाइम एप्रन ज़रूर पहने। उससे ये होगा कि कोई भी मसाले या फिर कुकिंग के जो भी दाग होते हैं, तेल के दाग होते हैं, तो वो आपके कपड़ों पर नहीं लगेंगे। इससे ये होगा कि आपकी साड़ी बची रहेगी और आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एप्रन नहीं पहनते हैं तो कपड़ों में दाग लग जाते हैं और उनको धुलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, या फिर हम कुछ ज़्यादा तरीके से उसको धोते हैं तो कपड़े फटने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। और घर पर हम तीन या चार साड़ी ही रिपीट करते हैं, इसके अलावा नहीं करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि एप्रन आप पहनेंगे तो आपके कपड़ों की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टिप नंबर सिक्स,
अब बात करते हैं मेकअप की। तो घर पे आपको किसी हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। इसके साथ ही आप लिपस्टिक और काजल लगा सकते हैं, ये ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये लगाने के बाद आपका लुक बिल्कुल अलग आएगा। क्योंकि घर पे हम कुछ भी मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ यूज़ नहीं करते हैं, ना लिपस्टिक ना काजल, बट मेरा मानना ये है कि आप इन चीज़ों को भी ज़रूर यूज़ करें, इससे आपका ग्लो एक अलग ही तरीके का आएगा। इसके अलावा जब आप सिंदूर यूज़ करते हैं तो आप सूखा सिंदूर यूज़ ना करें, आप लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप सूखा सिंदूर यूज़ करते हैं तो वो स्वेटिंग के साथ बहने लगता है और वो आपके चेहरे पर आता है काम करते टाइम। तो इसलिए कोशिश ही करें कि घर पे आप लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। टिप नंबर 7, अब बात करते हैं ज्वेलरी की। तो घर पे किस तरह की ज्वेलरी हम वेयर कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड, बहुत ही सिंपल। आप देख सकते हैं जिस तरह का मैंने मंगलसूत्र पहना है, आप इस तरह का हल्का मंगलसूत्र पहन सकते हैं। बैंगल्स में आप इस तरह के लाख के बैंगल्स पहन सकते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ लाख के बैंगल्स चलते हैं। तो आप है ना सिंगल एक कड़ा पहन सकते हैं, लाख की पतली चूड़ियाँ ना पहने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घिरने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि इस तरह के बैंगल पहन सकते हैं। मेटल चूड़ी आप पहनते हैं तो मेटल की बहुत बेस्ट रहती हैं, काम करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और उनके खिरने के यानी टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।